नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज में आपका स्वागत है। मेरठ से भी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है जहां पे दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस पर लोगों ने आक्रोश जताया और थाने में इकट्ठा हुए। उन्होंने सड़क पर भी जाम लगा दिया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने के सामने ये सभी लोग हंगामा करके बैठे हुए हैं। ये पूरा मामला है कंकरखेड़ा थाने का। मामला यही है कि हमारा भाई चार दिन पहले हादसे एक्सीडेंट में कुछ युवकों ने चार लोगों ने तो घेर के ईट मारी, मारने के बाद ब्रेकर से गिरा। ये बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट है और वीडियो में साफ दिख रहा है। वीडियो देखो, चार फुटेज हम दे चुके हैं, चार फुटेज। उससे क्या बोल रहे हैं कि इसके आगे की एविडेंस कहाँ पर है? और एविडेंस हम पे नहीं होंगे, ये ला कर देंगे एविडेंस हमें। एसओ मांगता है कि फुटेज ला दो जी हमें। अगर सब एविडेंस और सब काम हम करेंगे तो बाहर को ढूंढ के भी फिर तो कार्रवाई हम ही कर लेंगे ना। कार्रवाई करने के लिए कौन खड़े हैं यहाँ पर? कौन लोग थे पीटने वाले? कोई भी नहीं है पीटने वाले। कौन लोग दी गई है? वो लड़का निखिल जो मेन कर बेटा, जो मेन है वो थाने में थाने के अंदर तीन दिन से लगातार अपने बाप जाते हैं, आता है और जाता है। निखिल भी और वो प्रधान भी, और प्रधान भी नाम तो बता रहे हैं, घर के एड्रेस दे रहे हैं, पर लेकिन क्या बोल रहे हैं? एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। ये कार्रवाई पूरी करके उठेंगे आ जाते हैं। 23 तारीख को जो है, 23 सितंबर को एक प्रवेश नाम के व्यक्ति ने जो है आरोप लगाया था कि उसके बेटे के साथ उसने मारपीट की है और इसकी वजह से जो है उसको काफ़ी चोट आई है और जो है वो एडमिट है। इस संबंध में जो है कि थाना कंकरखेड़ा पे 307 का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 4 अभियुक्त हमारे जो है कि वांटेड थे। उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लोग आज यहाँ पर आए थे लोग, उसमें से अभी फिलहाल में जो है दो को जो है हम लोग के पास, दो लोगों को पकड़ लिया हम लोगों ने। बाकी दो के अरेस्टिंग के लिए हम लोग जो है टीम लगा रखी और यथाशी गिरफ्तारी तक की जाएगी। क्या नाम हो सकते हैं जिसके ऊपर हमला हुआ? क्या वजह थी? वजह अभी विवेचना का पार्ट है, पूरा वजह सामने नहीं आ पाई है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी वजह आएगी और उसका जेन्युइन जो भी रीजन होगा, उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे सबको हम लोग सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस।